दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वनडे एग्जाम स्टडी के यूट्यूब चैनल में। रात्रि के 9 बजे आपको करंट अफेयर्स का ये वीडियो दिया जा रहा है आप सभी की भारी डिमांड पे। तो अगर आप किसी भी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और 10 क्वेश्चन होंगे, मुश्किल से 12-13 मिनट का वीडियो होगा, कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो का आपका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम में लिखें वनडे एग्जाम स्टडी और ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन शिक्षक भर्ती और अन्य सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए यूजफुल होंगे। दिन भर की जो अपडेट होंगी उनको शाम के वीडियो में आपके लिए कवर किया जाएगा। पहला प्रश्न आपके सामने पढ़ लिया होगा आप सबने, यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में भारत की कौन सी अभिनेत्री ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। क्वेश्चन नंबर एक, विच इंडियन एक्ट्रेस वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल। क्वेश्चन नंबर एक आंसर होगा यहां पर तिलोत्तमा सोम। बेसिकली ये कोलकाता से हैं, ये भी आपसे पूछा सकता है। और फिल्म का नाम आपसे पूछा सकता है कि किस फिल्म के लिए इन्होंने पुरस्कार जीता है। राहगीर द वेफेयर्स फिल्म का नाम है। इस फिल्म के निर्देशक थे गौतम घोष और ये 23वां संस्करण था, ठीक है। UKAFF 2021 का ये 23वां संस्करण था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए, इसके बारे में यहाँ पे आप डिटेल को पढ़ सकते हैं और इनकी ईमेल्स को भी आप देख सकते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर एग्जाम के लिए। ICRA ने FY 2022 के लिए भारत की GDP ग्रोथ पर कितना अनुमान लगाया है। प्रश्न संख्या दो, क्वेश्चन नंबर दो उत्तर होगा यहां पर 8.5% अनुमान लगाया है किसने, ICRA ने 2022 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का 8.5 वृद्धि का अनुमान लगाया। घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP का फुल फॉर्म भी यहां पे लिखा हुआ है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वृद्धि दर साल 8.5% रहने का अनुमान लगाया है। इसने अनुमान लगाया कि वित्तीय वर्ष 2022 में बुनियादी कीमतों 2011-12 की कीमतों पर सकल मूल्य वर्धित 7.3% की दर से बढ़ेगा। प्रश्न पूछ सकता है ICRA का मुख्यालय कहाँ है, तो ICRA का मुख्यालय गुड़गांव में है। अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बुद्धदेव दास गुप्ता का हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे। बुद्धदेव दास गुप्ता, क्वेश्चन नंबर तीन उत्तर होगा, ये एक बंगाली फिल्म निर्देशक थे, इनका निधन हो गया। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है सारे ही क्वेश्चन, और इसके बारे में अगर हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताएं तो प्रसिद्ध राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बंगाली फिल्म निर्देशक बुद्धदेव दास गुप्ता का निधन हो गया। इनको पुरस्कार मिले हैं बाग बहादुर, चरचर, लाल दर्जा, मोडोमेयर, इन फिल्मों के लिए इनको पुरस्कार मिले हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए, बिटकॉइन निवेश 2020 में किस देश ने टॉप किया। बिटकॉइन निवेश 2020 में किस देश ने टॉप किया, यूनाइटेड स्टेट ने टॉप किया यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, उससे पहले यहां पर जान लेते हैं यूएसए के बारे में, तो वाशिंगटन डीसी यहां की राजधानी है, जो बिडेन यहां के प्रेसिडेंट हैं। और अगर हम बात करें चीन की तो चीनी व्यापारी अरब के साथ दूसरे स्थान पर रहे। मैनहट्टन न्यूयॉर्क में स्थित एक ब्लॉकचेन एनालिसिस कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अमेरिका में व्यापारियों को 2020 में बिटकॉइन निवेश में $4.1 अरब के लाभ के साथ सबसे अधिक लाभ हुआ है। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा, यूएसए को सबसे ज्यादा लाभ हुआ है 2020 में बिटकॉइन निवेश में। हाल ही में डिक्को सिंह का निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर पांच उत्तर होगा, ये बॉक्सिंग से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर पांच का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता पूर्व बॉक्सिंग स्टार डिक्को सिंह का निधन हो गया है। डिक्को सिंह ने 1998 के एशियाई खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। प्रश्न पूछ सकता है कब इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, तो 1998 के एशियाई खेलों में। ये खेल कहाँ, बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किए गए थे। 1998 में इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिला, 2013 में देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए,
क्वेश्चन नंबर 6, छठा प्रश्न है यहाँ पर, और इनका इनका जो निधन हुआ है 42 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किस देश को शीर्ष स्थान मिला, यूएसए, ऑकलैंड, कनाडा, अरब। क्वेश्चन नंबर 6 उत्तर होगा यहां पर ऑकलैंड को, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होगा। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU द्वारा प्रकाशित ग्लोबल लिवेबिलिटी अर्थात जीवित रहने की योग्यता इंडेक्स 2021 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के शहर आगे रहे। न्यूजीलैंड का एक शहर है जिसका नाम है ऑकलैंड को COVID-19 के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कितने पायदान पे है, ये पूरी लिस्ट यहाँ पर बनी हुई है। नंबर वन पे क्या है, ऑकलैंड जो कि न्यूजीलैंड का एक शहर है, उसके बाद ओसाका जापान है। और यहाँ पर हम बात करेंगे सीरिया की राजधानी दमिश्क की स्थिति सबसे खराब है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न लिखिएगा, थेल्स ने किस को भारत का नया उपाध्यक्ष और डायरेक्टर चुना। क्वेश्चन है यहाँ पर, थेल्स ने किसको भारत का नया उपाध्यक्ष और डायरेक्टर चुना। क्वेश्चन नंबर 7 उत्तर होगा यहाँ पर आशीष सराफ को, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये है आशीष सराफ, फ्रांसीसी रक्षा और एरोस्पेस समूह थेल्स ने आशीष सराफ को भारत के उपाध्यक्ष और डायरेक्टर के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। किसकी जगह लेंगे, तो इनका नाम है एम्मा न्यूएल डे रोक्या फुएल, कुछ अजीब सा नाम है इनका, इनकी जगह ये लेंगे थेल्स के ये नए उपाध्यक्ष और डायरेक्टर के रूप में। इनका नाम है आशीष शराफ। हाल ही में बेनेडेटो विग्ना को किस कंपनी का नया CEO बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 8, फेरारी कंपनी का नया CEO बनाया गया है, किसको, बेनेडेटो विग्ना। ये हैं बेनेडेटो विग्ना, इनको फेरारी कंपनी का नया CEO बनाया गया है। इसके पहले इनके पद पर कौन थे, जॉन एल्कन थे। फेरारी SPE इटली के मारानेलो में स्थित इतालवी लग्जरी स्पोर्ट्स कार की निर्माता, मतलब एक कंपनी है जो एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार बनाती है फेरारी, उसके नए CEO बनाया गया है बेनेडेटो विग्ना को। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार किस भारतीय ने जीता, रविंद्र टक्कर, RS सोढ़ी, रतन टाटा, AK गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 9 उत्तर होगा प्रश्न संख्या 9 के लिए RS सोढ़ी ने एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार जीता है। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ अमूल के प्रबंध निदेशक RS सोढ़ी को बढ़ी हुई उत्पादकता, कुशल दूध आपूर्ति श्रृंखला के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन यानी APO टोक्यो जापान से एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन के रूप में क्षेत्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 20 वर्षों के बाद ये पुरस्कार जीतने वाले वे पहले भारतीय बने। ये कौन है ये भी आप ध्यान से देखिएगा, RS सोढ़ी जो हैं ये अमूल जो दूध आता है उसके प्रबंध निदेशक हैं। किस देश की नेवी ने अपना पहला फुली स्टील्थ वारशिप बना रही है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन में है रूसी नेवी, USA नेवी, इंडियन नेवी, चाइना नेवी। क्वेश्चन नंबर 10 उत्तर होगा रूसी नेवी। फटाफट से सारे क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपने ये जाना कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है, UK एशियन फिल्म फेस्टिवल में भारत की तरफ से तिलोत्तमा सोम ने जीता है, तो इस प्रश्न का आंसर आपने दिया था ऑप्शन नंबर बी के साथ। दूसरा प्रश्न आपने क्या पढ़ा यहाँ पर, हम आपको डायरेक्ट आंसर बताते हुए चल रहे हैं, सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर होगा 8.5%। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर होगा बंगाली फिल्म निर्देशक, पढ़ तो आप चुके हैं, सिर्फ रिविजन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 उत्तर होगा यहाँ पे USA, यूनाइटेड स्टेट अर्थात अमेरिका कह सकते हैं आप। डिक्को सिंह किससे संबंधित थे, ये बॉक्सिंग से संबंधित थे, 5 का डी ऑप्शन सही होगा। ऑकलैंड जो है सीरीज पर रहा ऑप्शन नंबर बी के साथ, हम जाएंगे 6 का ऑप्शन नंबर बी। थेल्स ने आशीष सराफ को नया उपाध्यक्ष और डायरेक्टर चुना।
फेरारी कंपनी का नया सीईओ बनाया गया बेनेडेटो विग्ना को। ये पुरस्कार किसने जीता है? आर एस सोड़ी, जो कि अमूल दूध के हेड है। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर होगा यहां पर रूसी। रूस की राजधानी क्या है? रूस की मुद्रा क्या है? सीच को आप नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।